पशु बिक्री बैन को लेकर सरकार ने एक बार फिर अपना स्पष्टीकरण दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि पशु वध संबंधी अधिसूचना में बदलाव के लिए आए सुझावों पर सरकार विचार कर रही है। पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि कैटल स्लॉटर नोटिफिकेशन हमारे लिए किसी भी तरह से इज्जत का सवाल नहीं है। इस पर तमाम संगठनों के भेजे गए सुझावों पर विचार किया जाएगा। बहुत अच्छी तरह से हमने स्पष्ट भी किया है और आपको और ज्यादा अगर अभी तक नहीं स्पष्ट हो रहा है बार बार स्पष्ट करने के तो फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स का जो कानून है उसके तहत कुछ रूल्स बनकर नोटिफाई हुए हैं। उन रूल्स के संदर्भ में समाज के अंदर कुछ वर्गों के अंदर कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस, मिसगिविंग्स जो है वो फैलाने का दुष्प्रयास हो रहा है। हमने इसको बड़ा अच्छी तरह से स्पष्ट भी किया है कि ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स का जो कानून है और इसके तहत जो बनाए गए नियम हैं, ये ना तो किसी की फूड हैबिट्स को प्रभावित करने के लिए, उनके अंदर कोई परिवर्तन करने के लिए या उनके ऊपर कोई फूड हैबिट्स फोर्स करने के लिए बनाए गए हैं, ना ही ये किसी स्लॉटरिंग के बिजनेस को प्रभावित करने के लिए किए गए हैं। लेकिन इस सबके बावजूद भी अगर समाज में किसी को कोई इसके बारे में मिसकंसेप्शन हुआ है तो हमने फिर भी कहा है कि कोई भी हमें रिप्रेजेंटेशन जो मिलेगा या मिले हैं हम उनको पूरे प्रामाणिकता से और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ उनका विश्लेषण करेंगे। पहले भी जो कानून बनाए गए थे उनको हमारे विभाग ने वेबसाइट पर रखा, पब्लिक डोमेन में रखा, एक महीने का समय लोगों को दिया। अभी भी कोई सुझाव आएंगे उनके ऊपर भी हम पूरी गंभीरता से जो है चिंतन करेंगे। हमारा इस बारे में कोई किसी किस्म का कोई ये प्रेस्टीज इशू। गौरतलब है कि 26 मई को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें मारने की नीयत से मवेशियों की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी गई है। इस कानून का तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में विरोध किया गया। NMF News की रिपोर्ट।